जवाहर कला केंद्र की ओर से महान वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को संवाद प्रवाह का आयोजन किया गया। जेके के द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर और अर्बन स्केचर्स जयपुर की ओर से आयोजित चर्चा सत्र में मुख्य वक्ता जेके के अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री प्रियंका जोधावत, आर्किटेक्ट प्रणयदीप तुषार सोगानी, कॉन्ट्रैक्टर अशोक अग्रवाल और दिनेश चौधरी ने विचार रखे। इस दौरान केंद्र के सहायक निदेशक अब्दुल लतीफ उस्ता, उप महाप्रबंधक भरत सिंह, अन्य पदाधिकारी, बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट व स्टूडेंट्स मौजूद रहे। फायर एरिया में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें चार्ल्स कोरिया के जेके के विजिट की स्मृति को दर्शाया गया। सुश्री प्रियंका जोधावत ने कहा कि चार्ल्स कोरिया के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, यह आयोजन उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। युवा आर्किटेक्ट्स और स्टूडेंट्स सत्र में शामिल हुए और व्यक्तिगत रूप से चार्ल्स कोरिया और उनकी वास्तुकला को जाना, सभी उनसे प्रेरणा ले और देश दुनिया में जेके के जैसे भवन बनाए जिनके लोग मिसाल दें। तुषार सोगानी ने कहा कि जेके के आर्किटेक्ट्स के लिए विशेष महत्व रखता है। स्टूडेंट्स इस भवन की डिजाइन से वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समझ सकते हैं। प्रणदीप ने बताया कि चार्ल्स कोरिया सही नई सर्वश्रेष्ठ की धारणा पर विश्वास रखते थे। इसी का परिणाम है कि उन्होंने जेके के जैसा भवन तैयार किया जो पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया। अशोक अग्रवाल ने बताया कि चार्ल्स कोरिया को जेके के से इतना लगाव था कि इतनी अपनी संतान के रूप में संबोधित किया करते थे। उन्होंने जयपुर की चौपड़ प्रणाली से प्रेरणा लेकर हमारे पूर्वजों की वास्तुकला को जेके के रूप में पुनर्जीवित कर दिखाया। दिनेश चौधरी ने बताया कि जेके के भवन निर्माण से एक मानक दुनिया के सामने स्थापित करना था। डिजाइन से लेकर निर्माण तक काफी समस्याएं आई। यह चार्ल्स कोरिया की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज तक जेके की जीवंतता तब से लेकर आज तक उसी तरह बरकरार है। 4 सितंबर 1980 को चार्ल्स कोरिया जी का जन्म हुआ था और हमारे लिए बहुत खुशी की गर्व की बात है कि इतने बड़े आर्किटेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना आउटसाइडर, आउट ऑफ इंडिया आर्किटेक्ट वगैरह, उनके बहुत सारे बड़े नाम, पर हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि चार्ल्स कोरिया जी इंडिया से थे, गोवा के थे, उसी के साथ में उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है राजस्थान में जवाहर कला की आर्ट एंड कल्चर का जो एपिक सेंटर था, उसमें तो उनका आज के दिन बर्थडे मनाया गया। और जो IIA है, जो आर्किटेक्ट चैप्टर है, उनका जयपुर चैप्टर है, उनके साथ में लगे, उसके पीछे भाव यही था, एक श्रद्धांजलि थी, एक एक्नॉलेजमेंट था और एक थैंक्स गिवन था चार्ल्स कोरिया जी कि उन्होंने इतना खूबसूरत आर्किटेक्ट बनाया, इतनी सुंदर उनकी परिकल्पना।